हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइड्रा फेशियल का फुल प्रोसीजियर अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोना यूज इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। पहले हम एक वेट टिश्यू के साथ क्लाइंट के फेस को हल्का सा क्लीन कर रहे हैं एंड देन हम डबल क्लींजिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। आप फर्स्ट क्लेंजिंग किसी भी माइल्ड क्लेंजर के साथ कर सकते हैं। अगर आप हमारे स्किन ट्रीटमेंट के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम हमेशा डबल क्लेंज करते हैं और ये हमारा स्टेप हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेकंड क्लेंजिंग हम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का हाइड्रा फेशियल क्लेंजर के साथ करेंगे। ये प्रोडक्ट अपने एक्टिवेटर के साथ आता है तो हमें यहाँ पे क्लेंजर को उसके एक्टिवेटर के साथ मिक्स करना है एंड देन उसको हम अप्लाई करके क्लाइंट के फेस को क्लेंज कर रहे हैं। किसी भी स्टेप में हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, बस इतना ही पानी यूज़ करना है जिससे कि स्किन बिना स्ट्रेच हुए हाथ स्मूथली मूव कर पाए। क्लेंजिंग करने के बाद अब जो स्टेप आता है वो है पीलिंग का। यहाँ पे हम ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का स्टेप 2 पील यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे उसका एक्टिवेटर है और पील सॉल्यूशन है। पहले हम एक्टिवेटर को कट करके एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर पील सॉल्यूशन को कट करके उसके साथ मिक्स कर लेंगे। इस सॉल्यूशन को हम एक कॉटन पैड के साथ स्किन पे काफ़ी थिन लेयर में अप्लाई करेंगे। इसे आइस पर अप्लाई मत करिएगा, आइस को अवॉइड करिएगा। नेक एरिया पे प्रोडक्ट लगाना ना भूलें। इसके बाद हम बचे हुए पील को टैप टैप मोशन में पूरे स्किन पर अप्लाई कर देंगे। इसे स्किन पर हम 5 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर वेट टिश्यू के साथ इसे वाइप कर देंगे। थर्ड स्टेप आता है स्क्रबिंग करने का। फिर से एक्टिवेटर के साथ हमें स्क्रबिंग क्रीम को मिक्स करना है ताकि क्रीम एक्टिवेट हो जाए और फिर इसे अप्लाई करके हम स्क्रबिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक और बैक स्क्रबिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले हम यहाँ पे बैक स्क्रबिंग कर रहे हैं, फिर उसे क्लीन करके हम फेस स्क्रबिंग करना शुरू करेंगे। स्क्रबिंग हमेशा क्लाइंट के स्किन के थिकनेस को ध्यान रख के करें। हमारे क्लाइंट का स्किन बहुत ही पतला था तो हमने स्क्रबिंग काफ़ी हल्के हाथों से किया है ताकि उनका स्किन ज़्यादा इरिटेटेड ना रहे। अब हम हाइड्रा फेशियल मशीन के टूल्स को यूज़ करने से पहले उन्हें दोबारा सैनिटाइज कर रहे हैं। पहले डर्मा एब्रेशन टूल यूज़ करें। ध्यान रखें हमेशा नया नोजल यूज़ करें हर क्लाइंट के लिए। अगर स्किन एक्सट्रीम पतला है तो उसे ज़्यादा पुल ना करें। अब हम ले रहे हैं हाइड्रा फेशियल एक्सफोलिएट सेरम और इसे हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन गन टूल के साथ। हम इस सेरम को 5 to 10 ml ही यूज़ कर रहे हैं और इसे हम ऑक्सीजन गन टूल के साथ अच्छे से स्किन पर स्प्रे कर रहे हैं। इस सेरम को बिना वाइप किए हम स्टेप 4 की तरफ चलेंगे जो कि है टोनर का। इस टोनर को हम थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आगे के सारे स्टेप्स के लिए यूज़ करेंगे। इसे भी हम कॉटन पैड के साथ टैप टैप मोशन में अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रबर टूल का। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं पहले तो आपको पता होगा कि हम स्क्रबर टूल ऑलमोस्ट हर फेशियल में यूज़ करते हैं। इस टूल को यूज़ करते वक्त हमेशा प्रेशर का ध्यान दें। ज़्यादा प्रेशर के साथ इसे कभी भी यूज़ ना करें। नेक्स्ट हम स्किन को वेट टिश्यू से वाइप करके दोबारा टोनर सॉल्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं। टोनर सॉल्यूशन को आपको फिर से थिन लेयर में ही अप्लाई करना है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे बाइपोलर RF टूल। इस टूल को हम ज़्यादातर अंडर आई एरिया पे यूज़ करते हैं क्योंकि इससे अंडर आई एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो ज़्यादा बढ़ता है। इसे बिना प्रेशर दिए स्किन पर हर जगह पे कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना है। ध्यान रखें जब स्किन ड्राई हो जाए तो दोबारा टोनर सॉल्यूशन अप्लाई करें ताकि वो स्मूथली मूव कर पाए। नेक्स्ट हम फिर से टोनर अप्लाई करके RF प्रोब टूल का यूज़ करेंगे। अगर आपके हाइड्रा फेशियल मशीन में ये टूल नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी आती है स्टेप 5 मसाज जेल अप्लाई करने का। यहाँ पे हम एक्टिवेटर के साथ मसाज जेल को मिक्स कर रहे हैं और फिर इसे थिक लेयर में हम अप्लाई कर रहे हैं। नेक एरिया में अप्लाई करना ना भूलें। इस जेल के ऊपर हम यूज़ करेंगे अल्ट्रासोनिक टूल को। ध्यान रखें सारे टूल्स को 1 से लेके मैक्सिमम 3 मिनट तक ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट स्टेप 6 है मसाज क्रीम एप्लीकेशन का। इसे भी एक्टिवेटर के साथ मिक्स करेंगे और जेल जो था उसको हम बिना वाइप करके ही इसको उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम करेंगे फेशियल मसाज। मसाज हम 20 मिनट्स तक करेंगे और मसाज करते वक्त बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करना है। जब भी मसाज क्रीम अब्सॉर्ब होके स्किन ड्राई होने लगे तब आप दोबारा थोड़ा सा मसाज क्रीम अप्लाई करके मसाज करना शुरू करिएगा। जब मसाज क्रीम ख़त्म हो जाए तो फिर आप टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका हाथ स्मूथली फेस पर मूव होते रहना चाहिए।
फेशियल मसाज के बाद हम स्किन को वेट टिश्यू के साथ क्लीन कर लेंगे और फिर करेंगे स्टेप 7 जो कि है शीट मास्क एप्लीकेशन। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के इस प्रोडक्ट में शीट मास्क का जो सॉल्यूशन है वो ऐसे अलग से कंपार्टमेंट में आता है और ड्राई शीट मास्क ऐसे अलग से रहता है। पहले हम कॉटन पैड की मदद से शीट मास्क सॉल्यूशन को अच्छे से स्किन पर अप्लाई करेंगे और फिर शीट मास्क को उसके ऊपर प्लेस करेंगे। बचे हुए शीट मास्क सॉल्यूशन को हम ऊपर से ही उस पर अप्लाई कर देंगे, अच्छे से थिक लेयर में अप्लाई करना है ताकि शीट मास्क ड्राई ना हो जाए। अब हम ले रहे हैं ग्रेटेड कुकुम्बर, आप इसे कद्दूकस किया हुआ खीरा भी बोल सकते हैं। इसे हम एक स्क्वायर पीस टिश्यू के साथ लेके आइस के ऊपर प्लेस करेंगे। दोनों आइस पर प्लेस करने के बाद जो वेट टिश्यू हम क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहे थे उसे फोल्ड करके आप आइस को कवर कर दें और फिर LED मास्क को प्लेस करें। LED मास्क को हम 5 मिनट्स के सेटिंग पे रखेंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट्स तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर 5 मिनट्स बाद इसे हम रिमूव करेंगे। मास्क रिमूव करने के बाद शीट मास्क को स्किन पर 5 मिनट्स तक और रहने दें। इसी बीच हम क्लाइंट को एक रिलैक्सिंग सा हैंड मसाज देंगे। 5 मिनट्स के बाद हम शीट मास्क को रिमूव कर देंगे। शीट मास्क रिमूव करने के बाद हम फिर से वेट टिश्यू के साथ स्किन को क्लीन करेंगे। इसके बाद आप कोई भी माइल्ड मॉइस्चराइज़र या सरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ओजोन का ग्लो रेडियंस ऑयल फेशियल ऑयल और इसे हम वाटर के साथ डाइल्यूट करके ऑक्सीजन गन की मदद से स्प्रे कर रहे हैं। फाइनल स्टेप के लिए हम यूज़ करेंगे आइस हैमर टूल और इससे हमारे जितने भी ओपन पोर्स हैं क्लाइंट के उसे हम क्लोज करेंगे। इसे हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो सेरम है या फिर मॉइस्चराइज़र है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, अब्सॉर्ब हो जाए स्किन पर। हाफ एब्जॉर्ब हुए फेशियल ऑयल को हम हाथों से टैप टैप करके फुल्ली एब्जॉर्ब करवाएंगे और यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है हाइड्रा फेशियल का फुल प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इससे कुछ सीखा। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अगर आप चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।